हम बात करने जा रहे हैं एफएल इंडिया की। बात की जाए एफएल इंडिया की तो फिलहाल छोटी मोटी गिरावट के साथ ही ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉक ने 1160 के लेवल से रिजेक्शन लिया था और 1060 के लेवल से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक हो गया, इस रेंज में आप कंसोलिडेट हो गया। फिर 1100 के लेवल को ब्रेकआउट दे चुका है स्टॉक और अब ऊपर की ओर ही सस्टेन हो रहा है। एक पॉजिटिव सिग्नल है हमारे लिए कि इसके अभी टारगेट काफ़ी ऊपर है, अभी यहाँ से हमको ब्रेकआउट ही देखने के लिए मिलेगा। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। स्टॉक ने ऑलरेडी रिजेक्शन ले चुका है, अभी इस बार 1160 का टारगेट ब्रेकआउट होने के चांसेस बन रहे हैं। अगर सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो आपने देखा है कि इस लेवल पे स्टॉक ने लगातार रिजेक्शन फेस किया है। 1120 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, 1120 का अगर इसको ब्रेक डाउन देता है तो ऐसे कंडीशन में 1100 का लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। जब तक 1100 के ऊपर है तब तक आप साइड की संभावना बनी हुई है। अब यहाँ से हमको अप साइड ही देखने के लिए मिल सकते हैं और जैसे आईटी सेक्टर में भी अभी धमाके होना बाकी है, यहाँ हमको अप साइड ही दिखेगा। अगर 1160 का लेवल ब्रेकआउट हो गया तो ऐसी कंडीशन में 1200 तक के टारगेट हमको इजीली इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं।